गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं इसका नायक आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान पटवार एक बहुत बड़ी भर्ती है जिसके लिए हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं मैथ्स सब्जेक्ट की। सबसे पहले मैथ्स के काफ़ी कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे कंटिन्यू और आपको बेहतर चीज़ें समझ में आई होगी। अब जो टॉपिक चल रहा है करंट में, वो है पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप को ही आज हम करने वाले हैं और आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो वाकई में अपने आप में यूनिक क्वेश्चंस हैं। ऐसा लेवल ही पटवार में आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पटवार एक ग्रेजुएशन बेस के ऊपर है तो कुछ लेवल देखने को मिल सकता है। तो हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है, मैं बैठा हूँ मैथ में, कितना भी लेवल क्यों ना दे दे आपको, सारे लेवल मैं करवा दूँगा। जो भी बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और सभी तरीके की तैयारी हम करवाते हैं, आने वाले दिनों के अंदर हम रीट का भी बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। अन अकेडमी पर हमने रीट का बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, जाके आप उस पर विजिट करें और स्टार्ट कर दें अपने रीट की तैयारी को बेहतर तरीके से। और बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं अन अकेडमी पर, जाके सभी जगह आप मुझे फॉलो कर लें और सभी कोर्सेज को विजिट करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज सुबह सुबह ही ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, तो जो क्वेश्चन करूँगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो को शेयर जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा कि ए व बी ने कोई बाड़ा, ए व बी ने कोई बाड़ा 10 महीने के लिए किराए पर लिया, दोनों ने मिलकर 10 महीने के लिए किराए पर लिया है, लेकिन इसमें क्या है, ए उसमें सो गए 8 महीने के लिए रखता है, ठीक है, और बाकी बचे हुए 2 महीने के लिए बी उसमें कितनी गाय रखे, बी पता नहीं कितनी गाय रखता है। यदि वह ए से 3/2 गुना ज़्यादा पैसे देता है, अब कितनी गाय है ये बताना है, तो बी है वो ए से 3/2 गुना ज़्यादा पैसा दे रहा है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि बी कितनी गाय रखेगा इसके अंदर, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे लास्ट वाला लाइन देखें कि बी है वो ए से 3/2 गुना पैसा अधिक दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह सकते हैं कि जो बी है वो कितना दे रहा है, वो ए से दे रहा है 3/2 गुना, ए से 3/2 गुना पैसा ज़्यादा दे रहा है गाय रखने का। इसका मतलब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो बी बट्टा ए बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ पाए कि बी कितने रुपये दे रहा है, 3 रुपये दे रहा है ना, और ए कितने दे रहे हैं, 2 रुपये, समझ पाए इस बात को, ये हो गया। अब ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये गाय रख रहे हैं, इसका मतलब बी कितनी गाय रखेगा, बी कितनी गाय रखेगा, तो बी तो हमारे पास पता ही नहीं कितनी गाय रख रहे हैं, है ना, ये बी गाय रखने का पैसा आ गया, इसका मतलब बी, मैं सी से लिख देता हूँ, बी सी काउ रखता है कितने महीने के लिए, सर 2 महीने के लिए, और ए कितनी गाय रखता है, सर काउ ए 100 गाय रखता है कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, और इतने रखने के लिए उसने कितने पैसे दिए, उसने 3, और इसने कितने दिए, ए ने 2। तो इस हिसाब से मैं ए और बी की वैल्यू रख सकता हूँ ना, यहाँ पर सारे बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सर ये जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 4c, ये होगा 100 × 8 × 3, और यहाँ पर c की वैल्यू निकालेंगे, c का मतलब काउ, और यहाँ पर 4c डिवाइड कर देंगे, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 4 × 2 = 8, तो c बराबर आपका आ जाएगा 600 गाय। तो b कितनी गाय रखेगा, b आपकी 600 गाय रखने वाला है 2 महीने के लिए, ये इसका राइट आंसर हो गया, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बताओ समझ में आया कि नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ने बोला कि बी है वो ए से 3/2 गुना ज़्यादा दे रहा है, इसका मतलब बी बराबर ए इंटू 3/2 मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर बी और ए का रेशियो आ गया, ये रेशियो आ गया पैसों का कि बी 3 रुपये दे रहा है, ए 2 रुपये दे रहा है। ये रुपये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए दे रहे हैं कि बी कुछ गाय रखता है 2 महीने के लिए, तो कुछ गाय का मतलब सी गाय रखता है 2 महीने के लिए, सी इंटू 2, उसका खर्चा 3 रुपये आता है उस किराए के अंदर, और ए रखता है 100 गाय इंटू में 8 महीने के लिए, उसका खर्चा 2 रुपये। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सी की वैल्यू निकालेंगे, सी क्या माना था, गाय माना थे किसकी, बी की, तो बी 600 गाय रखता है, ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो जाके उस पे ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों एक बात आप सभी से मैं शेयर करना चाहूँगा अन अकेडमी के बारे में, कि अन अकेडमी आप सभी को बता, मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल फ्री कोर्स आपके लिए बना रहा हूँ, तो रीट 2020 की तैयारी मैंने वहाँ पर स्टार्ट कर दी है।
जाके विजिट करें। कंप्लीट कोर्स फॉर मैथ सबसे पहले मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया, घातांक और करणी का मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, तो जाके वहाँ देखें, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। रीट की यूट्यूब पे भी आने वाले समय मेरी क्लास होने वाली है मैथ्स की। जैसे ही पटवार का सिलेबस खत्म हुआ था तो मैं रीट की स्टार्ट करवाऊँगा, लेकिन पटवार का भी सिलेबस पड़ा है, तो आप अन अकेडमी से जुड़ जाएँ। वहाँ पर मैं रीट का कोर्स मैंने मैथ का चला दिया है, वहाँ पर आपको और क्लासें भी देखने को मिलेंगी रीट की, और रीजनिंग की क्लास भी वहाँ पर स्टार्ट है राजस्थान पटवार के लिए, तो उसको भी आप विजिट करें, वहाँ पे देखें। अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, जाके मुझे फॉलो कर लेना और मेरे वीडियोज़ को वहाँ पर शेयर करना है, मुझे रेटिंग देनी है और रिव्यू सबसे ज़्यादा करना है, ठीक है। तो इसीलिए बताना चाहूँगा कि रीट का कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है अन अकेडमी के ऊपर, तो जाके विजिट करें और देखें। चलिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ए व बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अंदर लगाई है, अगर 5% लाभ को दान कर दिया जाता है तो बाकी जो लाभ बच गया उसको अनुपात इस अनुपात में बांटा जाता है, तो बताओ ए को जब इतने रुपए मिलते हैं तो कुल लाभ कितना हो गया, आपसे प्रश्न में पूछा गया है। सबसे पहले हमें पता यहाँ क्या उठाना है कि 5% दान कर दिया, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दान कितना किया उसने, सिर्फ 5% कर दिया, और 5% का मतलब आप समझते हो कितना हो गया, 1/20 हो गया। यानी कहीं ना कहीं ये क्या था, ये कुल लाभ था, ये क्या था, कुल लाभ 20 रुपये था, और दान कितना कर दिया सर, दान कर दिया इसने 1 रुपये, तो हमारे पास जो बच गया वो कितना बच गया, 19 रुपये बाकी बच गया, बाकी यही तो बचा है, 19 रुपये बाकी बच गया। इतनी बात से सारे बच्चे सहमत हैं। अब इस 19 को इस अनुपात में बांटेंगे, यानी ए बी का जो रेशियो कितना है, ए बी का जो रेशियो है वो सर है 3:2 है ए बी का रेशियो, और उसको बांटना है 19 में, क्या इनको जोड़ेंगे तो 3 और 5 का भाग जाता है कि 19 में नहीं जाता है, इसका मतलब पॉइंट्स में उत्तर आएगा। अब इसको भी मैं इजी बना देता हूँ आप सभी के लिए, इनको जोड़ के आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना जब करेंगे तो सिमिलर बराबर करने पड़ेंगे सारी चीज़ों को, इसलिए मैं 5 से मल्टीपल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों को जोड़ के इससे डिवाइड करूँगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से मल्टीपल करके सब में मल्टीपल कर दिया। अब कहीं ना कहीं आपका कुल लाभ 5, 2, 10, 100 यूनिट हो गया है, और 19 5 कितने होते हैं, 95 होते हैं, इसका मतलब कि इसको डिवाइड किस में करना है, इसको डिवाइड करना है 95 के अंदर, समझ पाए। अब इसमें डिवाइड करेंगे 1995 और कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा, है ना, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, सॉरी इसको मैंने अलग अलग कर दिया, इसको जोड़ के करना है, ठीक है, तो ये कितना आ गया सर, 5 आ गया, और 5 की यूनिट वैल्यू कितनी है, इस 5 को बांट रहे हैं, लेकिन अब 19 5 95 हो गए तो आपको सर एक यूनिट की वैल्यू आ गई 19, स्पष्ट रूप से आप जानते हैं एक यूनिट की वैल्यू 19 आ गई, इसको भी 19 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इसको 19 से भी मल्टीपल करना पड़ेगा, ये तो हो गया 19 3 57 हो गया, और ये 19 2 38 हो गया। यहाँ तक सभी बच्चों का आई थिंक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न ने क्या बोला है, प्रश्न ने बोला है कि ए को इतना रुपये मिलता है, लेकिन ए को तो यहाँ पर 57 यूनिट मिलता है, एक्चुअल में कितना 8000, तो ए को इतना ही मिलता है तो एक्चुअल में कितना मिल रहा है, एक्चुअल मिल रहा है 8550, इसका मतलब कितने का मल्टीपल है, ये 150 का मल्टीपल है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 150 आ गई है। हमें क्या बताना है कुल लाभ, तो फाइनली कुल लाभ कितना है, आप कहोगे फाइनली टोटल लाभ कितना है, आप कहोगे सर टोटल लाभ तो पहले 20 था लेकिन अब 5 से मल्टीपल कर दिया तो कितना हो गया सर, 100 यूनिट हो गया, और एक यूनिट की वैल्यू 150 है तो एक यूनिट की वैल्यू से मल्टीपल कर देंगे, फाइनली जो आंसर आएगा 0,000, 15,000 रुपये आपका कुल लाभ आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन, इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को करने का, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इनसे बेहतर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर करवाना चाहता तो सीधे ही करवा देता, फलाना फलाना ये कर दिया, वो सिंपल क्वेश्चन आपने देखे होंगे एकेडमी क्लास में, वैसा करवा के छोड़ देता, लेकिन नहीं, क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आपने सारी क्लास देखी है पार्टनरशिप की जितनी मैं करवाऊँ तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, चाहे कोई सा भी आप एग्जाम दे लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इन सभी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछला मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है सेम वैसा ही है, उसी टाइप से ये होने वाला है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि ए बी सी तीन साझेदार है जिनकी पूंजी क्रमशः 8000, 12000, 15000, इस ये पूंजी वो लगाते हैं, तीन साझेदार है, कोई भी काम करते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन जब ये काम ये पूंजी लगाते हैं
लेकिन ए जो है ना, ए वो कहता है कि मैं काम भी करूंगा, मैं एक वर्कर के, मैं साझेदार भी बनूंगा, मैं पैसे भी लगाऊंगा और मैं साथ साथ में एक वर्कर का भी काम करूंगा। यानी ए काम भी करता है, अगर वो काम करेगा तो वो जो काम करने का पैसा अलग से लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। वो कह रहा है कि इसके लिए मैं आपसे कुल लाभ जो होगा ना उसमें से 12.5% मुझे अलग से आपको सैलरी देना पड़ेगी। यानी कहने का मतलब हो गया, ए बोल रहा है कि मैं जो पैसे लगा रहा हूँ उसका हिस्सा तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, साथ में जो अलग से वर्कर का काम करूंगा उस वर्कर के अकॉर्डिंग मुझे सैलरी चाहिए 12.5% जो लाभ होता है उसमें से। कहने का मतलब है ए तो 8,000 का भी एक भाग लेने वाला है और साथ साथ में 12.5% हिस्सा भी आपका लेने वाला है अलग से सैलरी के रूप में। तो ए को कुल 52 रुपये मिलते हैं। कहने का मतलब ए ने पूरा जो सैलरी के रूप में और जो साझेदारी के रूप में जो पैसा मिला वो कुल पैसा 52 रुपये मिला है। तो बताओ कुल लाभ कितना होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, करने का तरीका वैसा ही होगा। सबसे पहले देखते हैं 12.5% को हम यहाँ से उठाते हैं, तो ये 12.5% ये क्या हो गई है, ए का लाभ, ये सैलरी होगी। यानी अब 12.5% को जब सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा? सर आप कहोगे सर 1/8, ये 8 क्या होगा? सर ये कुल लाभ होगा। क्या होगा? कुल लाभ होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था। और ये क्या है? ए की सैलरी है। ए की क्या है? सैलरी है। समझ पाए इस बात को? यानी कुल लाभ हमें 8 यूनिट होता है, एक भाग ए ले जाता है, क्यों? सैलरी का लिया उसने, लेकिन बाकी कितना भाग बचेगा? बाकी बचेगा 7 यूनिट बचेगा। तो ये क्या बचेगा? ये भाग बांटा जाएगा। ये किसमें बांटा जाएगा? ए बी सी तीनों में ही बांटा जाएगा। अब ए बी सी का रेशियो देख लेते हैं, क्या वाकई में पूरा पूरा बंट रहेगा? यहाँ पर ए बी का रेशियो देखेंगे तो सर ये 8,000, 12,000, 15,000 है। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, देखो 3 जीरो से 3 जीरो 3 जीरो काट देता हूँ तो ये रेशियो आएगा 8, 12 और 15 आ जाएगा। अब जोड़ोगे 15, 12, 8 कितना हो गया? 35 हो गया। कितना हो गया सर आपको? 35 हो गया है। क्या इस 7 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? इस 35 से नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर क्या करना है? पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या करवाया था? इनके योग को मैंने क्या कर दिया था? यहाँ पर गुणा कर दिया था। अब लेकिन 7 को किससे मल्टीपल कर दें कि जिससे ये डिवाइड हो जाए, ये बंट जाए पूरा लाभ? तो मैं इसको 5 से मल्टीपल कर दूँ। जब 5 से मल्टीपल करूँ तो कितना भाग आ जाएगा जो बच गया? 35 रुपये आ गया। और 35 को मैं बांट सकता हूँ इस रेशियो के अंदर क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से यहाँ पर किया तो 5 से यहाँ पर भी तो करना पड़ेगा, 8, 5, 40 और 5 यहाँ से भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। यानी एक को सैलरी 5 रुपये मिलती है, कुल लाभ है 8, 5, 40, जो बाकी बच गया वो 7, 5, 35 भाग बांटना पड़ेगा। तो 35 इनका टोटल हो रहा है और बांटना किस में है? 35 में। तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है? एक ही आ रही है। और हमें क्या बताना है यहाँ पर? एक यूनिट की वैल्यू एक ही आ रही है। तो ये बाकी जो सेम रेशियो रहने वाला है, बाकी सारा का सारा सेम रेशियो रहने वाला था, क्योंकि इससे एक मल्टीपल करेंगे, इसको भी एक से करेंगे तो रेशियो तो वही रहेगा, चेंज ही नहीं हो रहा अब की बार। तो ये भी हमारी समस्या हट गई कि रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। अब हमें पता है ए को सैलरी मिलती है, तो ए को देखो 8 रुपये किसके मिलते हैं? ये साझेदारी के मिल रहे हैं, 8 रुपये साझेदारी के मिल रहे हैं। प्लस में सैलरी कितनी मिल रही है? एक यूनिट मिल रही थी पहले, लेकिन अब मैंने 5 से मल्टीपल किया है तो 5 रुपये क्योंकि इक्वल किया मैंने, तो 5 रुपये ये भी मिलेगा, प्लस में सैलरी भी मिले, तो 8, 5, 13 यूनिट उसको हमसे टोटल रुपए 13 यूनिट के रूप में मिल रहे हैं। बट ए को कुल लाभ 5200 हो रहा है, इसका मतलब 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आपको कहोगे सर 13 यूनिट की जो वैल्यू आ गई है वो 5200 है। तो कितने का मल्टीपल हो गया? 13 चौके कितने होते हैं? 52 होते हैं ना, तो 400 रुपये आ गया। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 400 रुपये आ गई। हमें पूछा कुल लाभ, तो फाइनली कुल लाभ कितना है? अब कुल लाभ आप बताओगे, बताओ कितना है? अभी जो करवाया था पहले 8 यूनिट था, लेकिन 5 से मल्टीपल कर दिया तो कितने यूनिट हो गया? सर 40 यूनिट हो गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 400 है। तो अब मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? सर 16,000 आ जाएगा कुल लाभ। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कर दिया? इससे बेहतर तरीका आपको हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन करने का, ठीक है? पूरा मैंने एफर्ट लगाया आपको, इजी से इजी फंडा मैंने बताया है और आई होप जो बता रहा हूँ ये इजीली समझ में आ रहा होगा। ये होते हैं शॉर्ट मेथड। अब इसको लॉन्ग मेथड भी मैं कर सकता था, सब लिख लिख के एक्स मान के फलाना है ढिमका ऐसा कर करके, ऐसा नहीं करना अपने को। सबसे इजी स्टेप मैंने बताए हैं और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आए होंगे, ठीक है? कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा जैसे मुझे समय मिलता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। ए ने एक काम में क्या किया? 20 से 375 रुपये ज़्यादा लगा दिए, ठीक है? तो ए ने 8 महीने के लिए लगाई और बी ने 4 महीने के लिए लगाई, पूंजी लगाई है 125 रुपये के कुल लाभ में। 125 रुपये का कुल लाभ हुआ, उसमें से ए को 20 से 75 रुपये ज़्यादा मिले, ए को 75 रुपये ज़्यादा मिले। तो ए की पूंजी कितनी होगी आपसे प्रश्न में
पूछा गया है। तो चलिए रेशो लिखते हैं। हमें दे रखा है ए और बी का रेशो कितना आ गया। सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि ए को बी से 75 रुपये ज़्यादा मिले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लाभ कितना हो गया कि ए को अगर 100 रुपये मिलते हैं तो इसको 25 रुपये मिलेंगे। इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं कि नहीं करते। क्यों? क्योंकि ए को बी से 75 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। इसका मतलब देखो कितने का डिफरेंस है, 75 का है। ए को बी से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 75 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लाइन मैंने बिल्कुल सही लिखी है। इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं। तो यहाँ से रेशो निकाल लेंगे तो ये कितना आ गया, जो लाभ का रेशो आएगा वो कितना आएगा। सर लाभ का रेशो आएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100। ये 4:1 आ गया। और समय कितना ले रहे हैं, समय आप बताओगे। समय हमें दिया है, समय का अनुपात है, ए ले रहा है 8 महीने और यहाँ पर बी ले रहा है 4 महीने। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवा रहा हूँ इस तरीके से क्योंकि पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पार्टनरशिप का ये कंसेप्ट मैंने समझा रखा है। यहाँ से जब लाभ और समय आएगा तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, सर यहाँ से आपकी पूंजी निकल के आ जाएगी। पूंजी कितनी आएगी, पूंजी में भाग दे देंगे समय के अंदर। कितना आ गया सर, 1/2, ठीक है, और 1/4। यहाँ से जब करोगे इसके अंदर 4 से डिवाइड करें तो 2:1 आपका पूंजी का अनुपात आ जाएगा, पूंजी का अनुपात आ गया। इतनी बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं कि नहीं करते। इतनी बात सारे एग्री करते हैं कि जो पूंजी आ गई है हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, लाभ के अंदर समय का डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आपका क्या आ जाएगा, पूंजी का अनुपात आ जाएगा। एक आर इसी तरीके से 1/4 आ गया। रेशो को इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीपल कर देंगे तो 2:1 आपका पूंजी का अनुपात आ गया है। यानी ए ने 2 पूंजी लगाई है यूनिट के अंदर, बी ने 1 पूंजी लगाई है, बट ए ने 375 रुपये ज़्यादा लगाए हैं। किससे ज़्यादा लगाए हैं, ए ने 375 रुपये ज़्यादा लगाए हैं ना। इसका मतलब है कि डिफरेंस कितना है इन दोनों का। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। यानी बी ने कितने ज़्यादा रुपये लगाए हैं, इसमें ए ने कितने ज़्यादा रुपये लगाए हैं, ए ने 1 रुपये ज़्यादा लगाया है 1 यूनिट के रूप में, बट यहाँ पर कितने लगाए हैं, 375 रुपये लगाए हैं। तो आप कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं आप कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 375 रुपये आ गई है। अब आपसे प्रश्न में पूछा गया कुल लाभ कितना होगा, कुल नहीं एक ही पूंजी पूछी गई, तो एक ही पूंजी कितनी है, 2 यूनिट के अंदर है। तो आप कह सकते हो सर 2 यूनिट में है तो फाइनली एक ही पूंजी कितनी आ गई, एक ही जो पूंजी आपसे पूछी गई वो 2 यूनिट के अंदर है और 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी, 375 रुपये निकाल ली है। जब मल्टीपल करोगे कितना आएगा, 5 × 2 = 10, 7 × 2 = 14 और 5 × 3 = 6, 750 रुपये। ये फाइनल आंसर आ गया, एक ही पूंजी 750 रुपये लगाई गई है। बस खेल खत्म हो गया यहीं पे ही। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ये था बिग क्वेश्चन आपके साथ। इससे बेहतर तरीका मेरे हिसाब से तो कोई और नहीं हो सकता। मैंने बड़े इजी स्टेप में आपको ये पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं और आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बेहतर क्वेश्चन और करेंगे। मेरा पूरा एफर्ट रहेगा आप सभी के लिए कि मैं बेहतर से बेहतर आपको क्वालिटी दे पाऊँ। तो लगातार हमसे जुड़े रहें। कोई भी आपको सजेशन चाहिए, कोई भी चीज़ का क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लगातार हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करें जिन्होंने नहीं किए हैं अभी तक, कम से कम लाइक ज़रूर कर सकते हैं आप। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें।